हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आया हूँ संत सुंदरदास सेक्टर 12, एक्सक्लूसिव ब्रांडेड क्वालिटी वाला लग्जरी फ्लैट आपका लेके आया हूँ। संत सुंदरदास अपार्टमेंट है, 6th फ्लोर है। ये आपकी मेन एंट्री को मैंने दिखाया। कई लोग की कमेंट थी कि मैं ना फ्लोर वगैरह ज़्यादा दिखाता हूँ, फ्लैट कम दिखाता हूँ, पर मैंने फ्लैट के रूम का साइज़ दिखाने के लिए किया था। बाकी पहले मैं आपको एक बार फ्लैट दिखा देता हूँ। ये ड्राइंग डाइनिंग में भी हम खड़े हैं और ये आपका सामने डाइनिंग हो जाता है और इधर आपका ड्राइंग हो गया। अब मैं फिर से फर्श का आपको साइज दिखा रहा हूँ, फिर फ्लैट भी दिखाऊंगा। ये आपका ड्राइंग का साइज है, और यहां से आपका डाइनिंग है। फर्स्ट स्टार्टिंग जो होती है स्टडी का होता है, और ये स्टडी बना सकते हैं अच्छी खासे ऑफिस वर्क या बच्चों के स्टडी रूम हो जाता है। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो आपको ये स्टडी रूम काफ़ी अच्छा है, स्पेस है और बनाया भी गया इसी तरह से। यहाँ पे आप एक छोटा मंदिर बना सकते हैं और ये आपका वर्क फ्रॉम होम या बच्चों की सारे स्टडी वगैरह कंप्यूटर वगैरह सारे यहीं पर आप कर सकते हो। क्लास का ट्यूशन क्लास हो या जो भी हो, तो यहाँ पे हमने पावर प्लग वगैरह कंप्यूटर के लिए सब कुछ दे रखा है, यहाँ पे आप लग सकते हैं। तो ये स्टडी रूम काफ़ी अच्छा बन सकता है अगर आप बनाना चाहें तो। ऐसे बना रखा है हमने स्टडी इसको। एंड अब हम जा रहे हैं किचन में। किचन में अभी गैस बर्नर लगना बाकी है, कुछ और आइटम भी लगना बाकी है। ये किचन का साइज है, किचन में गैस बर्नर अभी लगेगा, एडजस्ट फैन लग गया है। यहाँ पे आपका फ्रिज का जगह है और फुल्ली लोडेड किचन है। ये गैस आपका ओवन वगैरह माइक्रोवेव ओवन वगैरह सब कुछ दिया गया हुआ है। एंड इधर भी आप देख सकते हैं चिमनी वगैरह फुल्ली टच वाली चिमनी लगी हुई है। किचन के बाद हम देखते हैं फर्स्ट बेडरूम में हम जा रहे हैं। सामने बिल्कुल फर्स्ट बेडरूम है। फर्स्ट बेडरूम का साइज आपको पहले दिखाने से पहले रूम का जरा उधर दिखा देता हूँ। रूम साइज आप देख सकते हैं, क्योंकि रूम साइज इस तरह दिखा देता हूं आपको। ये रूम साइज तो कवर्ड बना हुआ है, इसके साथ आपका बाथरूम अटैच है, कॉमन है। एंड साथ में इसके साथ बड़ी बालकनी है। बालकनी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी साइज है बालकनी की, और बालकनी का व्यू जो है वो आपको दिखा दूं। ये देखिए सोसाइटी का पार्क है। यहाँ से बिल्कुल 12 का मेट्रो बिल्कुल पीछे पड़ता है, वॉकिंग डिस्टेंस है, सिटी सेंटर है। यहाँ से बेगास मॉल आपको पास पड़ेगा। ये रूम साइज कम से कम 14x14 से भी ज़्यादा प्लस होगा, ये देख सकते हैं। मेट्रो स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस है, विगास मॉल है, सिटी सेंटर है, सब 12 में पड़ता है। एंड सेकेंड बेडरूम में आपको पहले बाहर का लोकेशन दिखा दूं। सामने कवर्ड बना हुआ है और ये रूम का साइज है। और इसके साथ भी कवर्ड है और इसके साथ बालकनी भी है आपके साथ अटैच, जिसमें धूप आ रही है, और वो गर्मी वाली धूप नहीं, मौसम सर्दी की है और सर्दी वाली धूप आपको मिल रही है। एक सेकंड, ये धूप देख सकते हैं। सामने आपका वेंकटेश्वर हॉस्पिटल है, मेन रोड का ये है। प्रॉपर धूप आ रही है सर्दी की, और शाम तक कोने की फ्लैट है तो शाम तक की धूप आएगी। अंदर सोसाइटी के अंदर मदर डेयरी वगैरह सब कुछ है। बगल में ये हाईलैंड अपार्टमेंट है, इसको बंद करो।
एंड अब हम चल रहे थर्ड बेडरूम में। थर्ड बेडरूम से पहले आपका ये बाथरूम में एक पड़ता है जो कॉमन है। एंड थर्ड बेडरूम थर्ड बेडरूम का ये आपको देखिए फर्श का एंड सामने इसमें कवर बना हुआ है और इसके साथ अटैच बाथरूम भी है। ये तीसरी बाथरूम था। और इसके साथ भी आपकी बालकनी है, तीसरी बालकनी है जो रूम के अंदर तक धूप आ रहा है। आप देख सकते हैं प्रॉपर धूप आएगा और शाम तक का धूप है। सर्दी में भी प्रॉपर धूप आ रही है, शाम तक की धूप है। सामने वेंकटेश्वर हॉस्पिटल है, मेन रोड फेसिंग है, सामने पेट्रोल पंप है, बाड़ा का मेट्रो, सिटी सेंटर, ये सारे आपके आसपास के पास भी पड़ते हैं, हाफ एन किलोमीटर के आसपास सारे चीज़ें। एंड अब हम चलते हैं फोर्थ बेडरूम में और काम आपको फिर से एक बार ड्राइंग डाइनिंग का काम दिखा देता हूँ। चौथे बेडरूम में चलते हैं, प्रॉपर फोर बेडरूम का फ्लैट है और ये चौथी बालकनी भी है। चार बालकनी है, चार बेडरूम है, हर रूम के साथ आपको बालकनी अटैच है। इसमें भी कवर्ड बना हुआ है और एसी की वायरिंग पूरी की हुई थी हर रूम में। इसमें भी सामान रखा हुआ है तो हम बालकनी के बाहर नहीं जाते। इसकी फेसिंग और बगल वाले रूम की फेसिंग की दोनों बालकनी की फेसिंग आपका हो जाता है, सोसाइटी के पार्क का फेसिंग हो जाता है। और दो बालकनी में प्रॉपर धूप आ रही है जो शाम तक का धूप है। कॉर्नर का फ्लैट है, मेन रोड की फेसिंग है, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल की फेसिंग है। सन सुंदर दास है, सेक्टर 12 का है ये सोसाइटी सन सुंदर दास। इसके बगल में हाईलैंड अपार्टमेंट है, इसके बगल में त्रिमूर्ति अपार्टमेंट है, इसके बगल में न्यू राजपूत अपार्टमेंट है। 18 के जस्ट अपोजिट पड़ता है, सेक्टर 12 का मेट्रो स्टेशन पड़ेगा आपको नज़दीक में। उसके बाद सिटी सेंटर पड़ेगा, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल पास पड़ेगा, उसके वेगास मॉल है पास में आपको, रेडिसन होटल पास में पड़ेगा। तो और एक्सक्लूसिव ब्रांडेड न्यूली वर्क किया गया हुआ है सन सुंदर दास। 4 BHK का फ्लैट है, 4 बालकनी है, 3 बाथरूम है, सन सुंदर दास अपार्टमेंट है। और इसकी आस्किंग प्राइस जो है वो 2,90,00,000 है। इसकी आस्किंग प्राइस है 2,90,00,000, जो नेगोशिएबल है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। मीटिंग में पैसा जितना भी हो सकता है बेस्ट टू बेस्ट कम किया जा सकता है, नेगोशिएबल पार्ट है वो। और 2,90,00,000 की आस्किंग है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। किसी बैंक से आप लोन ले सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट हो, किसी बैंक से लोन लग सकते हैं। और सारे पेपर क्लियर हैं, ऑल चीज़ क्लियर है। जब चाहे मीटिंग करो, जब चाहे आप मीटिंग करके रजिस्ट्री करवा सकते हो। तो इसमें मिनिमम आपको 1 महीने से 2 महीने का टाइम मिल जाता है। और बाकी चीज़ के लिए, और डिटेल जानकारी के लिए या विजिट करने के लिए या किसी और प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9811038119। अगेन 9811038119। तो इसकी आस्किंग 2,90,00,000 थी, सन सुंदर दास, सेक्टर 12। हर चीज़ आपके पास में पड़ेगा, चाहे होटल हो, मॉल हो, मेट्रो हो, मार्केट हो, हॉस्पिटल हो, सब कुछ पास पड़ेगा। सर्दी की धूप आती है प्रॉपर, क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर है, कॉर्नर का फ्लैट है। तो वीडियो देखिए, नए यूजर से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई भी फ्लैट देखना हो, विजिट करना हो, मीटिंग करना हो तो इमीडिएट आप हमारे विजिट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।